नमस्कार साथियों, मैं डीआर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आर्यवर्त ऋषि मुनियों की भूमि, देव भूमि तथा मानवता का पूरे जगत को संदेश देने वाली भारत भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में कि क्या हम आज भी पूरे विश्व को मानवता का संदेश दे रहे हैं। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के दौर में चल रहा है, जहाँ हर कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, वहीं भारत के अंदर कुछ जमाखोर, मुनाफाखोर, कालाबाजारी करने वाले, मानवता के दुश्मन, खूंखार दरिंदे, भेड़िए ऐसे भी हैं जो इंसानों की जान लेने पर तुले हुए हैं। क्यों, कहां जरूरत पड़ती है? क्यों एक नर्स अपने पेशेंट के हिस्से की रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुराकर उसके स्थान पर उसे पानी का इंजेक्शन दे देती है? क्यों एक हॉस्पिटल एक पेशेंट की मृत्यु के पश्चात भी परिजनों से पैसे ऐंठने के लिए कई कई घंटे तक उसे अपने यहाँ एडमिट रखता है? क्यों एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसे अपने गांव ले जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई परिजन टैक्सी ड्राइवर से बात करता है तो वह 25 से 30 हजार रुपये की बात कर लेता है? और तो और, क्यों ऐसे इंसान भारत के अंदर उत्पन्न हो गए हैं जो 1,00,000 नकली रेमडेसिविर की डोज बनाकर पूरे भारत को सप्लाई कर रहे हैं? तो साथियों, कहाँ जरूरत है? क्या उस नर्स को पानी के इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है? क्या अगर वो नर्स ब्लैक में वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन न बेचे तो उसके बच्चे भूख मर सकते हैं? क्या वो हॉस्पिटल पूरी तरह से उजड़ सकता है जो कोरोना पेशेंट को उसकी तुरंत मृत्यु के बाद परिजनों को सौंप दे? क्या वो टैक्सी ड्राइवर पूरी तरह से खत्म हो सकता है अगर वो 25 से 30 हजार रुपये की परिजनों से मांग न करें? क्यों, कहाँ पे जरूरत है? तो साथियों, वर्तमान में इस प्रकार से जो कालाबाजारी का, जमाखोरी का या फिर मुनाफाखोरी का जो पैसा व्यक्ति कमा रहे हैं, क्या उनकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें उनके इस कृत्य के लिए माफ कर पाएगी? सोचने वाली बात है। साथियों, कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। भगवान के घर में भी उनके लिए निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा और उनके बुरे कर्मों का आवश्यक रूप से उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ऐसे व्यक्तियों को पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। आज भी मानवता की सेवा करने वाले यहाँ बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, उसमें चाहे कोई डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, या फिर अपने निजी कार्यों को छोड़कर काम में लगे हुए कोई और अध्यापक जैसे वॉलेंटियर्स हो। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं जो अपने जान की परवाह किए बगैर मरीजों की दिन रात सेवा करने में, हमारी जान बचाने में जुटे हुए लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, अगर अपन बात करें जमाखोरी करने वाले या फिर मुनाफाखोरी करने वाले ऐसे दरिंदे भेड़ियों की, तो मानवता के नाम पर ये एक कोरा कलंक है। अगर अपने सपोज करो उस नर्सेज ने इंजेक्शन दिया, पानी का इंजेक्शन दिया और उसके किसी अपने परिजन की मौत हो गई, तो क्या वो नर्स स्वयं को इसके लिए माफ कर पाएगी? या फिर जितने भी इन कृत्यों के अंदर लगे हुए लोग हैं, क्या वो अपनी दौलत को घर पे ले जाकर ये बता सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ये पैसे कमाए हैं और आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है? तो फिर क्यों हम अपन ऐसे कृत्य करने में जुटे हुए हैं जिस दौलत का अपने लिए कोई यूज नहीं है, जिस दौलत के सोर्सेज का अपन अपनी संतति के सामने वर्णन नहीं कर सकते, जिस दौलत के कारण अपना सर शर्म से झुक जाता है? विचारणीय बिंदु है साथियों। आज भी मानवता को पोषण प्रदान करने वाले उदाहरण अपने सामने आते हैं, जैसे किसी एक बच्चे ने अपने गुल्लक का सारा पैसा निकालकर ऑक्सीजन खरीदने के लिए दे दिया, या फिर किसी एक बुजुर्ग ने अपने तड़पते हुए युवा पेशेंट को देखकर अपना बेड और अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उस युवक को देकर उसकी जान बचा ली और बदले में अपने खुद के प्राण न्योछावर कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको मानवता के बारे में सच्ची जानकारी है, वो मानवता की सेवा में अपने खुद को तत्पर करना चाहते हैं। तो साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही पर्पज था कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका एक शेयर यदि मानवता के दुश्मन इन खूंखार भेड़ियों के पास पहुंच जाए और किसी एक ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के भेड़िए का हृदय परिवर्तित हो जाए, तो इसके कारण हजारों की संख्या में इंसानों की जान बचाई जा सकती है। तो ये भी अपना मानवता की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम होगा।
साथियों कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति घर का एक शिक्षित जागरूक व्यक्ति यह संकल्प ले कि आज के बाद मैं तथा मेरा परिवार किसी भी स्थिति में लॉकडाउन की या फिर कोरोना महामारी के इस विपरीत परिस्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी या मुनाफाखोरी में संलिप्त नहीं होंगे, तो पूरा भारत कुशल संपन्न बन सकता है और हम इस कोरोना जैसी महामारी को आसानी से दूर कर सकते हैं, इसके साथ लड़ सकते हैं और इससे जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आवश्यकता है कि अपन आपस में मिलजुल कर रहें तथा एक दूसरे का सहयोग जरूर करें अगर हो सके तो, क्योंकि आजकल राय बल की कमी नहीं है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को राय देने में लगा हुआ है। ऐसे में मेरी इन व्यक्तियों से अपेक्षा है, हाथ जोड़कर विनती है कि राय देने की बजाय अगर आप में शक्ति है, क्षमता है, तो आप किसी भी गरीब की या असहाय व्यक्ति की या जरूरतमंद व्यक्ति की राय देने की बजाय उसका साथ दीजिएगा ताकि वो ताउम्र आपके लिए दुआएं देता रहे। तो साथियों दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्या आज कोई विधायक मंत्री का बेटा नहीं मरता? अगर पैसे के दम पर किसी की जान बचाई जाती तो वो क्यों मरते? पैसा किसी को नहीं बचा सकता, दुआएं ही ऐसी है जो अपनी जान बचा सकती है। बद्दुआ अगर किसी की आत्मा से निकल गई तो फिर उस बद्दुआ के लिए अपने को निश्चित रूप से उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो साथियों ये हमारे हाथ में है कि अपन किस प्रकार का भारत चाहते हैं, एक सफल संपन्न खुशहाल अमन चैन वाला भारत चाहते हैं या फिर एक ऐसा रोता चित्कारता हाहाकार करता भारत जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, जहां आने वाली संततियां अपने को गालियों के सिवाय कुछ नहीं देगी। साथियों अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें वास्तव में सही है, आपके दिल को छू रही है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मानव हृदय परिवर्तन करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान हम निवास के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।